अमरनाथ यात्रा जाने के लिए फिरोजाबाद में लोग अपनी बॉडी का चेकअप करा रहे हैं। फिरोजाबाद में लोगों में बड़ा ही उत्साह दिखाई दे रहा है और लोग जिला अस्पताल पहुंच करके अपनी जांचें करवा रहे हैं और सर्टिफिकेट के जरिए अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 महीने के बाद लोग अमरनाथ यात्रा जाएंगे, उसके लिए अभी से सर्टिफिकेट बनना शुरू हो गए हैं जिसमें लोगों की हार्ट, बीपी, शुगर समेत कई जाँचें की जा रही हैं। क्या ध्यान रखें और जिला अस्पताल में किस तरह की जांचें उनकी कराई जा रही? देखिए, बहुत ही पवित्र काम है, श्री भगवान जी शिव शंकर जी के दर्शन करना हर किसी की इच्छा होती है, हिंदू धर्म बहुत ही मान्यता है। लेकिन वहाँ पे जाने के लिए थोड़ी वहाँ पे चूँकि मौसम का बड़ा अनिश्चित रहता है कब क्या हो जाए, तो स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। तो जो आदमी अपने आप को स्वस्थ रखते हैं या इच्छा रखते हैं तो अपने शरीर की थोड़ी एक बेसिक जांचें होती हैं कि उनको कोई किसी तरह का ब्लड प्रेशर तो नहीं है, हार्ट की समस्या तो नहीं है, या उनको कोई दौरा तो नहीं आता है, या चलने थोड़ा सा चलने पे वो परेशान हो जाते हैं, सांस फूल जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान जी भी उस मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सजग होकर अपना यात्रा को करना पड़ेगा। उसके लिए जांचें, प्रॉपर जांचें कर लेंगे और नियमित दवाएं जो उनकी चल रही हैं उनको खाते रहें और समय समय पर कैंप भी लगे हैं, हमारे यहाँ भी बेसिक जांचें हो रही हैं, तो उनको जांचों को कराने के उपरांत ही यदि कोई परेशानी उसमें रहती है तो फिर उसको ठीक करके ही अगले वाले पड़ाव में या अगले वाली किस्त उसमें जा सकते हैं। कौन कौन सी सर जाँचें होती हैं इस दौरान? फुल बॉडी चेकअप होता है क्या? हाँ, लगभग जो हमारी जाँचें होती हैं जो कि वहाँ के ठंडे मौसम में या मौसम बदलाव के कारण एक हार्ट पे लोड पड़ता है या सांस की समस्याएं आती हैं, इनकी एक्सरे करवाते हैं हम, एक बेसिक जांच ईसीजी करवाते हैं, ब्लड प्रेशर नपवा लेते हैं, उनका शुगर नपवा लेते हैं, कुछ लोगों को शुगर की समस्या होती है और उनके लीवर फंक्शन टेस्ट भी जिनमें ज़रूरत समझते हैं उनको करवा के और जब स्वस्थ पाए जाते हैं तो उनको हम खिलाफ। उम्र क्या रहती है, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक? उम्र कोई निर्धारित नहीं है, इंसान की अपनी इच्छा होनी चाहिए। वैसे 18 से लेकर 60 साल तक के बच्चों मतलब उनमें हम उसको खिलाफ रखते हैं।